हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल दिल से दिल तक में, और मैं हूँ सोनी चौहान। आज है 28 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हम किस तरीके से अपने बालों में एलोवेरा जेल लगाएंगे। तो आज मैं आपको अपने बालों में एलोवेरा जेल लगा के दिखाने वाली हूँ। मैंने अपने बाल धुल लिए हैं और ये हल्के से गीले हैं, हल्के से गीले। तो चलिए मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, अगर आप को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में कितने सारे सीरम हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीरम हैं, जैसे लिवॉन का है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीरम आते हैं। लेकिन मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं एलोवेरा जेल का सीरम की तरह यूज़ करने वाली हूँ। इसको लगाने से बाल दोस्तों एकदम शाइनी करने शाइन से हो जाते हैं। ये आपके बालों को शाइन करेगा, आपके बालों को मजबूत बनाएगा और आपके बालों को नरिश भी करेगा। तो चलिए किस तरीके से हम अपने बालों में लगाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब बात आती है कि हम इसको लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हम अपने बालों को धुल लेंगे किसी अच्छे शैम्पू से, और उसके बाद हम बालों इस एलोवेरा लगाने से पहले हम बालों को हल्का गीला रहने देंगे। एकदम सूखे बालों में इसे नहीं लगाएंगे, हल्का गीला बाल। जब आपके बाल गीले रहें तब आप लगाएं, जैसे कि मेरे हैं। मेरे अभी बाल पूरे तरीके से ये सूखे नहीं है, ये अभी गीले हैं। तो मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसे लगाएंगे। तो पहले हम अपने बालों में इस तरीके से पार्टीशन कर लेंगे, इस तरीके से। और ये है एलोवेरा जेल। अब मैं इसे अपने हाथ हाथों की जो उंगलियां हैं इनको इन पर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये, और इसको इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। अब ये जो हमारे बाल दिख रहे हैं ना, इनकी हम इस तरीके से लगाएंगे दोनों साइड से। ये देखिए ऐसे, हम अपनी जड़ों में इसे नहीं लगाएंगे, सिर्फ लेंथ पे लगाएंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे कॉम्ब कर लिया, आप कॉम्ब ना करें तब लगाए, देखना आपके बाल एकदम सुलझ जाएंगे इसको लगाने से। क्योंकि मैं इसे ट्राई किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये लग गया पूरा इस तरीके से। एक साइड के बालों में उंगलियों में लेंगे और इस तरीके से उंगलियां रखेंगे और इस तरीके से लगाएंगे जैसे हम कॉम्ब करते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा लग गया, हम पूरे लगा लेंगे इस तरीके से। मैं एक साइड लगा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक साइड पूरे तरीके से लग गया है। और जब ये सूख जाएगा ना तो एकदम आप अपने बाल देखना एकदम शाइनी लगेंगे। मैं आपको इसको सुखाने के बाद भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरे बाल लग रहे हैं। अब मैं दूसरे साइड इसी तरीके से लगा लूंगी, इसी तरीके से हम हाथ पे इस तरीके से लेंगे ये एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे नेचर कंपनी का लिया हुआ है, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो मैं इसको भी इसी तरीके से लगाऊंगी, इस तरीके से। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, शेयर ज़रूर करें। तो मैं इस साइड भी लगा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देख आप देख सकते हो, मुझे तो ये बहुत पसंद है। जिस तरीके से हम सीरम यूज़ करते हैं उसी तरीके से हमें इसको लगाना है। तो मैं इसे लगा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसे लगा के सुखा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे बाल एकदम सूख चुके हैं। ये देखिए एकदम सूख गए। अब मैं कॉम करके दिखाती हूँ ये बालों में मेरी किस तरीके की शाइनिंग है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बाल किस तरीके से शाइनिंग है। दोस्तों, इसे आप एज अ सीरम यूज़ करें, जब भी आप बाल धोएं इसी तरीके से लगाएं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए एक बार, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये देखिए ना, अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों, आप इसे ज़रूर लगा के देखें एक बार, ट्राई करें, और ये आपके बालों को बहुत अच्छा कर देगा। आप इसे लगा के एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मुझे ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट अच्छे अच्छे करें, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।